तो भाई बात कुछ ऐसी है कि मैं सोचता बहुत हूँ, और जब आप सोचते बहुत हैं तो आपके दिमाग में सवाल भी बहुत आते हैं। और मेरे दिमाग में एक सवाल बहुत बार आता है कि ये चांद में ऐसा क्या है जो हम उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मैंने ये सवाल चांद से भी पूछा, अबे तेरे में ऐसा क्या है बे? और चांद ने एक ही जवाब दिया, अबे जाना कल्लू। लेकिन हम चांद से इतने ऑब्सेस्ड हैं क्यों, कभी सोचा है? शायरी में चांद, गायकी में चांद, दिल लगी में चांद, नक़शी में चांद, गज़लों में चांद, नज़मों में चांद, यानी कि जब भी खूबसूरती या दूरी का ज़िक्र आता है तो चांद की बात होना तो लाजिम हो जाती है। लेकिन आखिर क्यों भाई साहब, मतलब हम खूबसूरती में सूरज की मिसाल क्यों नहीं देते? सूरज आखिर हमें रोशनी देता है, हमारा फ़ायदा करता है। रोशनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम नीड है। फिर भी अब सूरज के हिसाब से चांद में रोशनी बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन सुकून हमें उसी के साथ मिलता है। तो क्या हमें ज़िंदगी में उस शख्स की आरज़ू करनी चाहिए जो हमें बहुत कुछ फराहम कर सकता है, या फिर उस इंसान की जिसका होना आपको सुकून दे? तो ज़िंदगी के बहुत से फ़ैसले लेने से पहले आप ये सवाल ख़ुद से भी कर सकते हैं। लेकिन यार हमें तो बचपन से ये बताया गया है कि जितनी ज़्यादा बेदाग हमारी शख्सियत और हमारी शक्ल होगी, उतना ही ज़्यादा लोग हमें पसंद करेंगे। तो अब या तो ये मान लो कि चांद इन बे इंतहा कमियों के साथ बहुत ज़्यादा बदसूरत है, या फिर तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। और जब तुम दिल से ये मान लोगे कि तुम जैसे हो वैसे ही मुकम्मल हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी भी थोड़ी और जीना शुरू कर दोगे। अब चांद की ज़िंदगी कुछ 30 दिन की होती है, जिसमें वो मर के दोबारा पैदा होता है, और सबसे ज़्यादा हसीन वो उसी वक्त लगता है जब वो मर के दोबारा पैदा होता है। यानी कि मौत चांद को ख़त्म नहीं करती, बल्कि उसे और ज़्यादा खूबसूरती से दोबारा आसमान पे उभर आने का जज्बा देती है। अब मरते तो हम भी हैं तकरीबन हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना कि मौत क्या, एक लफ्ज़ बेमानी, जिसको मारा हयात ने मारा। अब सोचने की बात दरअसल ये है कि क्या हमें भी ज़िंदगी से मार खा के गिर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, या चांद की मानिंद निखर जाना चाहिए? तो बस ज़िंदगी से चांद को जोड़ के अब हम निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्तला विस्ता, अखरोट बादाम पिस्ता। अच्छा एक आखिरी बात कि मैंने बहुत टाइम लगा के बहुत दिल से चांद की कुछ फ़ोटोग्राफी की है, तो जाते जाते वो भी देखते जाइएगा।